हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू पार्ट सिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन दिस वीडियो वी विल डू बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बॉन्डिंग में हम तीन थियोरीज की बात करेंगे जिससे हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उसके बारे में पता चलेगा फर्स्ट थियोरी विल बी Werner's theory of coordination compounds. This theory was given in 1898. Second theory about which we will talk is Valence Bond Theory or VBT, which was given in 1930s. Then last theory we will discuss about bonding in coordination compounds is. क्रिस्टल फील्ड थियोरी विच वॉज गिवन इन 1952. फिफ्टी टू इन टूडेज वीडियो ओनली डू वर्नर्स थियोरी ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड हम अपने अगले वीडियो में VBT और सी की बात करेंगे वर्नर वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर इन कॉर्डिनेशन कंपाउंड वर्नर ने पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग की बात की थी बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट के जो भी रिजल्ट्स आए थे फिर उसने उनको बेसिस मानते हुए अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए तो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नाउ बिफोर स्टडिंग वर्नर थ्योरी we will discuss a point which will be helpful for you to understand the Werner experiment. ये point हमने वैसे पहले भी discuss किया था. Suppose आपके पास Cl- आयन as a counter ion present है. काउंटर आयन क्या होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है ये आयोनाइजेबल होता है लेकिन अगर यही सी एल माइनस आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए मतलब सी एल माइनस अगर लीगेंट हो तो ये नॉन आयोनाइजेबल होता है लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सी एल माइनस एज काउंटर आयन क्योंकि काउंटर आयन आयोनाइजेबल होता है तो इट मींस ये जो है सी एल माइनस आयन का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देगा इट विल गिव वाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे एक चीज़ और नोट करेंगे अगर मेरे पास एक मोल सी एल माइनस आयन है तो एक मोल ए जी सी एल प्रेसिपिटेट होगा

ये सारे ही कंपाउंड कोबाल्ट के हैं लेकिन इनके कलर अलग अलग हैं। तो जो कलर वाला कंसेप्ट है कि इनके कलर अलग अलग क्यों हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करने के बाद यहाँ पे हम वर्नर एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं वर्नर ने जब इन चारों कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया तो उसे पहले कंपाउंड में थ्री मोल ए जी सी एल मिले वाइल इन द सेकेंड कंपाउंड टू मोल ऑफ ए जी सी एल आर प्रेसिपिटेटेड इन द थर्ड कंपाउंड वन मोल ऑफ ए जी सी एल इज प्रेसिपिटेटेड विद ए जी एन ओ थ्री एंड इन द फोर्थ कंपाउंड ए जी सी एल इज़ नॉट प्रेसिपिटेटेड ए जी सी एल बना ही नहीं तो अगर मैं इन ऑब्जर्वेशंस को दोबारा से देखूं, तो आप पहले कंपाउंड को देखेंगे तो उसमें तीन मोल एजीसीएल का प्रेसिपिटेट हो रहा है इट मींस जो तीन सी एल माइनस आयन है वो प्रेसिपिटेट कब होंगे जब वो काउंटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे मीन जब वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखे जाएंगे सो so, इसलिए इसका फार्मूला है सी ओ एन एच थ्री होल सिक्स सी एल थ्री तो यहाँ पे तीन सी एल माइनस आइन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखे गए हैं इसी वजह से ये आयोनाइज हुए और आयोनाइज होने के बाद दे हैव गिवन थ्री मोल ऑफ ए जी सी एल So, इस हिसाब से इसकी कंडक्टिविटी जो है इट करस्पोंड टू वन रेशो थ्री इलेक्ट्रोलाइट वन एज टू थ्री इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एक आयन बना जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला था और तीन आयन बने सी एल माइनस और टोटल आयन कितने बने चार इन द सेकेंड केस क्योंकि दो मोल ए जी सी एल प्रेसिपिटेट हो रहा है इट मीन्स इस केस में आउट ऑफ थ्री आप फॉर्मूला देखें वहां पे तीन सी एल है तो इन तीनों सीएल में से आउट ऑफ थ्री टू आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट मतलब दो ही सी एल माइनस आइन काउंटर आयन की फॉर्म में है जो बाकी एक सी एल है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है सो फॉर्मूला विल बी दिस तो इसमें आप देख सकते हैं दो सीएल माइनस आइन एज अ काउंटर आयन प्रेजेंट है जो कि प्रेसिपिटेट होते हैं एज टू मोल ऑफ एजीसीएल और इसकी कंडक्टिविटी जो है इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू वन रेशो टू इलेक्ट्रोलाइट तो यहां पर एक आय बनेगा square bracket वाला, और दो सी एल माइनस आयन बनेंगे तो टोटल आयन बनेंगे थ्री नाउ इन दर्ड केस सिर्फ एक मोल एजीसीएल प्रेसिपिटेट हुआ इट मीन इसके फॉर्मूले में जो तीन सी एल माइनस दिए गए हैं उनमें से सिर्फ एक ही सी एल माइनस काउंटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आएगा सो आप फॉर्मूला देख सकते हैं सिर्फ एक सी एल माइनस ही काउंटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आया है सो इट मीन इसकी कंडक्टिविटी होगी वन रेशो वन इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि यहाँ पे दो ही आयन बनेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला कट और दूसरा सी एल माइनस और यहाँ पे कितने आयन बने टोटल टू एंड इन द लास्ट केस क्योंकि AgCl प्रेसिपिटेट ही नहीं हुआ इट मींस फोर्थ कंपाउंड में जो तीनों Cl- आयन हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट हैं उनमें से कोई भी काउंटर आयन की फॉर्म में बिहेव नहीं कर रहा है सो so, इस वजह से आपका फॉर्मूला सी एन एच थ्री होल थ्राइज सी एल थ्री है तो यहाँ पे आप देखिए कोई भी सी एल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखा गया है इसलिए वो आयोनाइज नहीं होगा और जिसकी वजह से कोई भी ए जी सी एल मोलिक्यूल या मोल्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें कंडक्टिविटी हमने नहीं लिखी है बिकॉज कंडक्टिविटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन्स इन सोल्यूशन तो इस केस में आयन्स बने ही नहीं इस केस में सिर्फ एक ही पार्टिकल है जो कि एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो मैंने लिखा है वन पार्टिकल देन एक चीज आप और, और ध्यान रखेंगे कि जितने ज्यादा आयन्स होते हैं कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होती है या हम कहें ग्रेटर द नंबर ऑफ आइंस ग्रेटर इज द कंडक्टिविटी तो इन चारों कंपाउंड्स को अगर आप देखेंगे व्हेन यू मूव फ्रॉम फर्स्ट कंपाउंड टू द फोर्थ कंपाउंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो आप देखेंगे नंबर ऑफ आइंस डिक्रीज कर रहे हैं इट मीन कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट वर्नर हैज गिवन फ्यू प्रोस्टुलेट्स तो उसने पहली जो बात कही उसने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल्स जो हैं दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं पहली वैलेंसी होती है प्राइमरी विच इज आयोनाइजेबल वाइल सेकेंड टाइप ऑफ वैलेंसी इज सेकेंडरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल फिर उसने कहा कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन दैट कॉम्प्लेक्स और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है पॉजिटिव होता है, सो इट विल ओनली बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस एंड ही ऑल्सो सेड कि सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इट इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल इन अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है और हमें पता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो लीगेंट्स की हेल्प से निकाला जाता है कि कितने लोन पेयर जो हैं वो मेटल को डोनेट हो रहे हैं तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है इट इज़ सेटिस्फाइड बाय लीगेंट्स और लीगेंट्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं और बहुत कम केसेस में कुछ पॉजिटिव आयंस भी एज अ लीगेंट बिहेव करते हैं तो सपोज आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है इसमें आपको बोला जाता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड आउट कीजिए तो इस केस में जो प्राइमरी वैलेंसी है इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर तो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे एंड इट विल केम आउट टू बी प्लस फोर जबकि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगी एंड इट विल बी इक्वल टू सिक्स देन ही सेड कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं दे आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड दी सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड फिक्स पोजिशन इन स्पेस विच गिव अ डेफिनेट जोमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स जैसा कि आपने देखा है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स हो मीन सेकेंडरी वैलेंसी सिक्स हो देन जो शेप होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है वाइल अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है तो शेप कैन बी टेट्राहेड्रल और इट कैन बी स्क्वायर प्लेनर तो ये जो लीगेंट्स होती हैं इनकी जो ओरिएंटेशन होती है इट गिव ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो ज्योमेट्री आती है ऑक्टाहेड्रल हेड्रल वाइल इन कोऑर्डिनेशन नंबर फोर ज्योमेट्री कैन बी टेट्राहेड्रल और इट कैन बी स्क्वायर प्लेनर बट जो वर्नर ने थियोरी दी थी उसमें बहुत सारी कमियां सो रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग क्यों कुछ ही एलिमेंट जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं जबकि कुछ एलिमेंट्स कॉर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते हैं आज तो आपको ये बात क्लियर है कि कुछ एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से दे कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर फ्रॉम द लीगेंट्स एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बट जब ये थियरी दी गई थी वर्नर के द्वारा उस टाइम ये पॉइंट क्लियर नहीं था तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों कुछ एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं वाइल कुछ एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बनाते एंड सेकंड ही फेल्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक कलर एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थर्ड चीज which he fails to explain is the directional properties of bond in coordination compound wo ye explain nahi kar paya why coordination sphere has a definite geometry jaisa ki coordination number 6 mein aapne dekha hai wo ye explain nahi kar paya ki coordination number 6 ki shape octahedral hi kyon hogi और coordination number फोर की अगर बात करें तो उसमें दो shapes possible होती हैं एक tetrahedral दूसरी स्क्वायर प्लेनर अब कुछ कंपाउंड टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं और कुछ कंपाउंड्स स्क्वायर प्लेनर शेप बनाते हैं तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों होती है एंड लास्ट थिंग ही फेल्स टू एक्सप्लेन इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है या ये कॉम्प्लेक्स

तो ये इन्होंने डाटा दिया हुआ है अगर आप इसमें पहला फॉर्मूला देखते हैं उसके अंदर दो मोल्स ऑफ ए प्रेसिपिटेट होता है ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इट मींस ए जो है वो प्रेसिपिटेट हो रहा है सो जो दो सी एल माइनस है दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब जो आपके दो क्लोराइड आयन है वो काउंटर आयन की फॉर्म में बिहेव कर रहे हैं वो बॉक्स मतलब आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है उसके बाहर प्रेजेंट है तो जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें चार अमोनिया प्रेजेंट है विथ सेंट्रल मेटल एटम तो इसलिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी फोर इन द सेकेंड केस अगर आप देखें इस केस में भी टू मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड आर प्रेसिपिटेटेड इट मीन्स यहाँ पे भी जो दोनों क्लोराइड आयन है दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स वो काउंटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है इट मीन्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर निकल के साथ सिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सो इट मीन यहां पे निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है इसी वजह से इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी सिक्स होगी इन द थर्ड कॉम्प्लेक्स नो मोल ऑफ ए जी सी एल इज प्रेसिपिटेटेड मीन ए जी सी एल के कोई भी मॉलिक्यूल्स प्रेसिपिटेट नहीं हुए तो इट मीन्स जो यहाँ पे प्लेटिनम के साथ फोर सी एल माइनस हैं वो एक्चुअली बॉक्स मीन जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है जहां हम लीगेंट लिखते हैं उसके अंदर प्रेजेंट है तो इट मीन्स यहाँ पे चारों Cl माइनस और साथ ही साथ टू एच सी एल दे आर प्रेजेंट इन साइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो यहाँ पे आपकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी सिक्स देन इन द फोर्थ केस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जी सी एल प्रेसिपिटेटेड आर वन तो इट मीन्स एक ही सी एल माइनस जो है वो काउंटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है आउट ऑफ थ्री तो यहाँ कोबाल्ट के साथ जो तीन सी एल लिखे गए हैं उनमें से एक काउंटर आयन की फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आएगा बाकी दोनों क्लोराइड आयन अलोंग विद फोर अमोनिया मॉलिक्यूल्स वो अंदर आएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के मीन वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखे जाएंगे सो इट मीन्स यहाँ पे भी जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो सिक्स के बराबर होगी बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स इन द लास्ट केस आप देखेंगे कोई भी AgCl का मोल जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं हुआ सो इट मीन्स दोनों क्लोराइड आयन दे आर प्रेजेंट एज लीग विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो यहाँ पे प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो क्लोराइड आयन होंगे और दो अमोनिया होंगे तो टोटल हो जाएगा फोर कोऑर्डिनेशन नंबर और आपकी सेकेंडरी वैलेंसी भी हो जाएगी फोर नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज asked कि अगर हम आयरन सल्फेट सल्यूशन को अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन के साथ मोलर रेशो वन इस टू वन में मिक्स करते हैं देन इट विल गिव एफ टू प्लस आयन टेस्ट बट अगर हम कॉपर सल्फेट को एक्वस अमोनिया सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं वन रेशो फोर मोलर रेशियो में देन कॉपर आयन का टेस्ट नहीं आता है सो so, अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो जो फेरस सल्फेट है जब उसको मिक्स किया जाता है अमोनियम सल्फेट के साथ तो Fe2+ आयन का टेस्ट आता है और आपको पता है ये टेस्ट तभी आएगा जब Fe2+ आयन जो है या तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है या जो कंपाउंड बन रहा है आफ्टर मिक्सिंग फेरस सल्फेट विद अमोनियम सल्फेट वो जो कंपाउंड है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं हो तो इट मींस ये Fe2+ टू प्लस जो है ये टेस्ट तभी देगा जब ये या तो कॉम्प्लेक्स पार्ट का हिस्सा ना हो ये एज अ काउंटर आयन प्रेजेंट हो या ये उस कंपाउंड में टेस्ट देगा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना हो नॉर्मल कोई सॉल्ट हो लेकिन अगर आप कॉपर सल्फेट की बात करेंगे कॉपर सल्फेट को जब अमोनिया के साथ मिक्स किया जाता है तो ये कॉपर आयन का टेस्ट नहीं देता इट मीन्स यहाँ पे शायद कॉपर टू प्लस आयन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है एंड इट इज प्रेजेंट विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो इसको अगर हम आंसर की फॉर्म में लिखें देन यू विल फाइंड कि जब फेरस सल्फेट सल्यूशन को मिक्स किया जाता है अमोनियम सल्फेट सल्यूशन के साथ तो इट विल फॉर्म अ डबल सॉल्ट या मोर सॉल्ट बनाता है ये एक डबल सॉल्ट होता है और डबल सॉल्ट हमें पता है जब उसको हम एक्वस सल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में आयोनाइज हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है इस वजह से ये Fe2+ आयन का टेस्ट देता है ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉपर सल्फेट सल्यूशन को एक्वस अमोनिया के साथ मिक्स करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से सी यू टू प्लस आयन का टेस्ट नहीं आता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन जिसमें ये कॉपर आयन प्रेजेंट है एज सेंट्रल मेटल एटम वो आयोनाइज कर कॉपर टू प्लस देता ही नहीं है जब कॉपर टू प्लस आयन आएगा ही नहीं एक्व सोल्यूशन में देन इट विल नेवर गिव टेस्ट ऑफ कॉपर टू प्लस आयन नाउ दिस क्वेश्चन ऑफ ये NCRT की का क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कौन सी कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनती है जब हम एक्सेस ऑफ एक्वस पोटेशियम साइनाइड को एक्वस सल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं यहाँ पे आप एक्सेस पोटेशियम साइनाइड लेंगे क्योंकि अगर आप पोटेशियम साइनाइड को एक्सेस में नहीं लेंगे तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी नहीं बनती है और सेकेंडली ये पूछ रहे हैं कि ये जो सल्यूशन आता है जब हम पोटेशियम साइनाइड एक्सेस को कॉपर सल्फेट सल्यूशन में ऐड करते हैं तो इस सल्यूशन में जब H2S गैस पास की जाती है तो कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो जो सेकंड क्वेश्चन है ना उसका आंसर जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है अगर मैं कह रही हूं कि H2S पास करने से कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा है इट मींस कॉपर 2+ आयन जो होगा वो आयोनाइज फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होगा तो आप इसका आंसर देख सकते हैं पहले ही पॉइंट में इन्होंने बोला है कि एक्वस केसियन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालने के बाद एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनती है तो यही इसका आंसर है प्रेसिपिटेट इसलिए नहीं आता क्योंकि जो कॉपर है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है एज अ सेंट्रल मेटल आयन और जो कॉम्प्लेक्स फियर होता है वो कभी भी आयोनाइज नहीं होता है इसी वजह से H2S गैस पास करने के बाद भी कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट नहीं आता है अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे कि कौन सी कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनती है तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि एक्सेस एक्वस KCN को एक्वस कॉपर सल्फेट सल्यूशन में डालने पे के थ्री सीयू सी एन होल फोर कॉम्प्लेक्स बनता है तो अगर आप इतना लिख देते हैं इट इज मोर देन सफिशियंट पर अगर आप चाहें तो आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं पर विदाउट इक्वेशन भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं अगर के सी एन थोड़े अमाउंट में लेते हैं तो सीयू सी एन होल्टवाइज बनता है और सेकेंड स्टेप में ये जो सी यू सी एन होल्टवाइ बना ये आगे जो है सी यू टू सी एन होल्ड वाइस में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में अगर के सी एन एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो ही कॉम्प्लेक्स बनता है के थ्री सी यू सी एन होल फोर तो ये इक्वेशन जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं अब आता है सेकेंड जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि इस केस में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें जो कॉपर है वो एज अ सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट है तो उसका जो है कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो काफी स्टेबल होता है एंड इट डज नॉट डिसोसिएट और आयोनाइज टू गिव कॉपर टू प्लस आयन जिसकी वजह से इट डज नॉट गिव एनी प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड विद एच टू एस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल